प्रथम तहलका न्यूज। दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद किसान नेताओं की मदद के लिए गांव से अब इमरजेंसी सेवाओं का चलना जारी हो गया है। हिसार रोड पर स्थित टाउन पार्क से भारी संख्या में इमरजेंसी ब्रिगेड के तौर पर युवाओं को भेजा गया। नौजवान युवा गाड़ियों का काफिला लेकर टीकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुए। इन लोगों की माने तो वे किसी भी आपात स्थिति से शांतिपूर्वक निपटेंगे। इस आंदोलन में किसान नेताओं की मजबूती के लिए वे टीकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुए और जो भी किसान नेताओं का आदेश होगा वे उसे मानेंगे। ये ब्रिगेड शांतिपूर्वक तरीके से हमारे लीडरों के पीछे खड़े होने का काम करेगी। हमारे अनुमान से 100 गाड़ियों के आसपास काफिला जा रहे हैं। अगर युवा का जज्बा हम देखें, इसको अभियान नहीं कहा जा सकता जी। जिस युवा को पता लगा है यहाँ टाउन पार्क के सामने खड़े हो गए, एक सोशल मीडिया पे हमने डाला था और मेरे दोस्तों ने मिलकर सबने एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बनाई थी। उस कनेक्टिविटी के दौरान जज्बे को देखते हुए युवा तो पहले से ही तैयार था। आप पूरी दुनिया ने देखा है जो एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी का जो संसद छोटी सी चीज है उसके ऊपर एक भाषण देने की आदत हो चुकी है, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में वो कह रहे हैं कि ये बिल डॉक्टर मनमोहन सिंह का है। मैं आप लोगों को उनकी बोली हुई उनकी तैयार की ड्राफ्टिंग पढ़ के बता रहा हूँ, उन्होंने लागू किया। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये बिल और उनकी की हुई ये चीज है तो फिर इनकी क्या जरूरत थी? कांग्रेस के करप्शन के अंगेंस्ट एक लहर खड़ी हुई थी जिसमें लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना था। अब ये कह रहे हैं कि मैं तो कांग्रेस की जो बनाई हुई ड्राफ्टिंग है मैं उसको लागू कर रहा हूँ, फिर आप लोगों की क्या जरूरत थी? उन्होंने तो ये भी कहा कि यह आंदोलन देश के हर एक युवा का आंदोलन है जिससे कि हर कोई जुड़ता जा रहा है। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे तो हट धर्मिता पर उतारू है, सरकार के द्वारा किसानों का दमन किया जा रहा है। कांग्रेस भी ये बिल लेके आती उसका भी किसान विरोध करते, आप लेके आए हैं तो आपका भी विरोध करते हैं। ऐसा लगता था उस टाइम पे जैसे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते ही अगले दिन ही देश के अंदर आम राज्य आ जाएगा। आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर हर जगह आंदोलन हो रहे हैं। और एक भी बात मैं इसके अंदर और ऐड करना चाहूंगा, दो दिन पहले उन्होंने अपने जो लीडर हैं हमारे उन लीडरों को क्या कहा है कि आंदोलनजीवी उनको कहते हैं। फिर कह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो हर आंदोलन के अंदर चले जाते हैं। एटलीस्ट प्रधानमंत्री जी ने ये चीज तो मानी के जो आंदोलन हो रहे हैं वो आंदोलन उनके, चाहे वो वकीलों का है, चाहे वो यूथ का है, चाहे वो किसानों का है, वो उनके अपने आंदोलन है। अगर कोई उसके अंदर जाके बैठता है तो ये विपक्ष का आंदोलन नहीं है, तो खुद ही एडमिट कर ली बात उन्होंने। किसानों के आंदोलन को लगभग 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बाद भी किसान धरने पर ही डटे हुए हैं। सरकार भी अपनी ओर से अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। प्रथम तहलका के लिए टोहाना से नवल सिंह की रिपोर्ट।